नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ फरजाना। हाल ही में हमने आपको वार्ड नंबर 18 की स्वच्छ भारत मिशन की पहली कड़ी से रूबरू करवाया था। आज हम आपको वार्ड नंबर 17 के स्वच्छ भारत मिशन की दूसरी कड़ी से रूबरू करवाएंगे। आइए देखते हैं वार्ड नंबर 17 के स्वच्छ भारत मिशन की दूसरी कड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हाल ही में हमने आपको वार्ड नंबर 18 के स्वच्छ मिशन में शौच की पूरी सच्चाई से रूबरू करवाया था और अब हम आपको वार्ड नंबर 17 के गांव भड़ोला के गंदगी से रूबरू करवाएंगे। वार्ड नंबर 17 के गांव भड़ोला आजादपुर दिल्ली में जगह जगह पर कूड़े के अंबार और आवारा घूमते हुए गायों के झुंड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मोदी के भारत को स्वच्छ बनाने का सपना फेल होता नजर आ रहा है और इसे फेल करने में किसी और का हाथ नहीं है बल्कि इलाके के निगम पार्षद बीजेपी नेता गरिमा गुप्ता का हाथ है, जो कि ना कभी इलाके के इस हालात को देखते हैं और ना ही कभी अपने ऑफिस में नजर आते हैं। इसके लिए इलाके के निगम पार्षद और सिविल लाइन जोन के चेयरमैन सुरेंद्र खरब से बातचीत की गई, जिन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि आगे से इसका विशेष ध्यान दिया जाएगा कि खुले में शौच ना हो और ढलाव पर बने कूड़े के ढेरों को नियमित रूप से साफ किया जाएगा। लेकिन क्या ये सच है कि इन वादों को जल्द ही पूरा किया जाएगा? कर्मचारी सफाई कर्मचारियों से भी कंप्लेंट करते हैं, कूड़े की गुटता कहते हैं कि ये हमारे पास गाड़ी नहीं, कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहते हैं लेकिन कार्रवाई कोई कुछ नहीं करता है। यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोग बड़े ही बेबस और लाचार हैं यहाँ पे गंदगी की वजह से। इससे जो बीमारियाँ फैल रही हैं इसके लिए अपने अधिकारी जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेदार है? इसके लिए अपने अधिकारी जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। और क्या कहते हैं, जो ये बाहर जो है हमारे मोदी जी हैं ये कह रहे हैं कि योगा करो ये करो, योगा से ही होता है स्वस्थ शरीर होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं। हम तो योगा करके औरों को तो योगा करा रहे हैं लेकिन यहाँ कैसे योगा करें गंदगी में बैठ के? बच्चे बीमार हो रहे हैं, कूड़ा घरों के आगे घेर घेर के जाते हैं सब, नहीं गाड़ी आती है नहीं कुछ आता, उठाते भी नहीं है, बोलते हैं तो दरोगा अरे कर्मचारी ऊपर से चिल्लाते रहे कहाँ घेरे हम कूड़ा को, कहाँ पे घेरे, खत्ता तो भरा पड़ा तो वहाँ पे ही करेंगे, रोड है रोड पे घेरेंगे हम तो, और गाड़ी नहीं आती है, एक महीना सारा होगा बस इकट्ठा करके ऊपर चले जाते हैं, और बदबू इतनी हो रही है, बच्चे बीमार होते हैं, खाना भी नहीं खाया जाता पर बदबू में रहना पड़ता है, क्या करें इतनी बदबू हो रही है जो। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा वार्ड नंबर 17 की पूरी हकीकत। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए वार्ड के स्वच्छ भारत मिशन के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।